उज टी फोर के को बहुत ज्यादा कब हमारे आएंगे, कब हम फिलअप कर पाएंगे और कब हम एक डेडिकेटेड तैयारी कर पाएंगे देखो ये गलती कोई प्रॉपर चीज मिल जाती है कि भैया इस डेट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे अब पेपर होगा तो हमको ना एक प्लान बनाने में ना बड़ा रहता है कि भैया हाँ इस टाइम में ये हमको करना है इतने टाइम में हमको पढ़ना है इतने टाइम में रिवाइज करना है इतने टाइम में मोक लगाना है ये सारी चीजें बिल्कुल नो no डाउट आप लोगों की डिसाइड होती है जब आपको पर्टिकुलर पता चल जाता है कि इतना टाइम स्पैन हमारे पास है तो आज मैं सोनिया चहल आपको बताऊंगी कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलेंगे तो अगर मैं बात करती हूं तो पहले हम एक बार डाटा देख लेते हैं कि हमारा डाटा क्या कहता है कि 2022 के अंदर जब आपके फॉर्म निकले थे तो वो निकले थे 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में क्योंकि उस टाइम पे कोरोना केस से हम नए नए आए थे उभरे थे भैया है ना तो ये था कि भैया चलो अभी क्या है हमको अभी साइकिल ना थोड़ा रेगुलर करना था इतना रेगुलर हमारा साइकिल नहीं हुआ था बट 2023 में हमारा जो साइकिल था वो प्रॉपर रेगुलर हो गया था जिसके अंदर 9 फरवरी से 12 मार्च के अंदर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुए थे और आपके 12 मार्च से पहले ही पेपर भी हमारे शुरू हो गए थे बोर्ड एग्जामिनेशंस राइट वहीं पे अगर मैं बात करूं 2024 की किसकी बात करूं भाई चौबीस की अगर मैं बात करती हूं तो 2024 के जो फॉर्म्स निकलेंगे वो आपके निकलेंगे सेकेंड टू थर्ड वीक ऑफ फेबर में क्योंकि साइकिल हमारा रेगुलराइज हो गया है एनटीए ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है चाहे आपका सीवीटी यूजी है चाहे वो सीवीटी पीजी है आपका यूजीसी नेट है सी नेट है एनी एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाता है एन के द्वारा सभी रेगुलर साइकिल्स में आ गए हैं सभी के सेशन अभी अपने अपने टाइम पे आ गए हैं तो आप होप करो कि सब भला रहे और आपका जो यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी टाइम पे निकल जाए यानी कि सेकेंड टू थर्ड वीक में निकल जाएंगे हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल 9 फरवरी को ही निकलेंगे नहीं बेटा हो सकता है दो को निकल जाए हो सकता है सात को निकल जाए बट इतना कुछ होता नहीं फर्स्ट वीक में हार्डली ही निकलते हैं आपका हो सकता है कि भाई आठ को निकल गए नो को हो गए और हो सकता है सेकंड को नहीं थर्ड वीक में आपके निकल जाए बट हाँ सेकेंड और थर्ड वीक के बीच ही आपके फॉर्म्स निकलने वाले हैं और अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करू ना बेटा कॉम्पिटिशन बड़ा तगड़ा है ये भी जानते जाओ कॉम्पिटिशन की मैं बात करूँ तो मामी डाला जी ने मामी डाला जगदीश कुमार जो हमारे यूजीसी नेट सॉरी एंटी के चेयर चेयरपर्सन है उन्होंने बताया था कि भैया हमारे 2022 के अंदर 9 लाख कितने 9 लाख साठ हजार बच्चे अपीयर हुए थे वहीं पे 2023 में 19 लाख बच्चे आपके अपीयर हुए थे यानी कि जो कंपटीशन था ना कंपटीशन पूरा 100 परसेंट इंक्रीज हो गया था और जो अब ईयर आने वाला है उसमें यह कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ जाएगा कहा पे दो में आपके साढ़े लाख थे और कहा ये आपका 19 लाख पहुंच गया तो ये मानो कि दो, 2024 का जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से 24 लाख के आसपास पहुंच जाने वाला है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चाहे बोर्ड में हो अभी चाहे आप ड्रॉपर हो कि आप जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दो क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं अभी बहुत जल्द हमारे हाफ ईयरली होने वाले हैं फिर हमारे सेशनल होते हैं बहुत सारी चीजें स्कूल में होती रहती हैं कहीं है, ड्रॉपर्स के साथ ये इशू नहीं है बट हाँ जो रेगुलर स्टूडेंट है बोर्ड वाले उनके साथ ही प्रॉब्लम रहता है कि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम है अभी प्री बोर्ड है अभी हमारे सेशनल्स है अभी हमारे हाफ ईयरली है तो ये इशूज हमारे साथ लगे रहते हैं कभी सेहत खराब है कभी नहीं है तो बहुत कम टाइम हमारे पास बचता है साथ में हमको हमारे स्कूल के सब्जेक्ट को भी देखना है प्लस हमको सी के लिए भी देखना है तो वो आपका थोड़ा सा मैं मानती हूँ हार्डवर्क होता है बिल्कुल होता है और बंदा कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है नो डाउट बट जो ड्रॉपर बच्चे हैं आप लोग कम से कम अपनी कमर कस लीजिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय है बेटा इस साल को वेस्ट मत जाने दो मत जाने दो मेक इट्स मेक दिस ईयर वदी इसकी हर एक सेकंड को आप वदी बनाइए और अगर मैं बात करूं आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल अगर आपको चाहिए आप चाहिए कि हां जी आप भी टॉपर बने इफ यू डिजायर ऑफ बीइंग वन देन यू शुड जॉइन द श्रेष्ठा बैच श्रेष्ठा बैच जो कि आपका अभी बिल्कुल रेगुलर कोर्स आपका चल रहा है राइट क्या चल रहा है, भी मिलती है। और अगर आप आपको इस कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और अगर मैं बात करूं ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में है हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो अलग बैच है ये आपको मैं बता देती हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग बैच है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बैच है तो आप लोगों को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है आपका श्रेष्ठा हिंदी मीडियम वालों के लिए है संकल्प बैच क्या कौन सा बैच है भैया संकल्प बैच हिंदी मीडियम के लिए है यहां भी आप सेम कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अब आप हो मैम ये मिलेगा कहाँ तो ये आपको अपनी प्ले स्टोर पर जाना जी वहाँ से अडर ट्वेंटी का ऐप इंस्टॉल करना या फिर आप कर सकते हैं क्या या फिर आप एक चीज कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाइएगा गूगल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डालिएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डिस्काउंट मिल जाता है राइट यहाँ से हम जाएंगे पहले पे देन ऑल कोर्स कोर्स में जाएंगे हम हमारे अंडरग्रेड यानी कि बारहवीं के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हमारे अंडर ग्रेड एग्जाम होते हैं यहाँ आएंगे देन सीयूटी हमारा आएगा सीयूटी में देखो आपके पास चीजें दिख रही होंगी कि आपके पास सीयूटी साइंस है एक और सीयूटी साइंस इन हिंदी है या साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए है ऐसे ही आपके पास अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास है क्या आर्ट्स 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 और इन हिंदी है ये आपका प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है देखो बोर्ड वाले बच्चों के साथ ये कि देखो हम डोमेन्स तो पढ़ रहे हैं हम अपना पीसी भी पढ़ रहे हैं हमको जो खाली जी टी चाहिए और इंग्लिश चाहिए तो आप लोगों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी के लिए बैच है तो आप जैसे चाहो वैसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं कॉमर्स वालों के लिए श्रेष्ठा बैच कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम बैच अभी नहीं आया है राइट और आपको लेना कैसे देखो सीयूटी साइंस में जाएंगे तो हम यहां आएंगे श्रेष्ठा बैच पे श्रेष्ठा बैच पे जाते हैं बाय करते हैं कोड लगाएंगे कौन सा ई सिक्स नाइन सेवन एस और हमने यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वाई सिक्स नाइन सेवन एस लगा के और जैसे ही हमने अप्लाई करा तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट मिल जाता है हालांकि अगर मैं प्राइस की बात करूं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है इंग्लिश मीडियम का एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम रीजन भी की आपको चीजें भी तो बहुत सारी मिल रही है और आपको बहुत पहले से भी मिल रही है प्लस आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपकी हार्ड कॉपी पीडीएफ पहले आपके जो कोर्सेज हो चुके हैं आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग मतलब इट मीन की आपको पूरा सब कुछ मिल रहा है पूरा एक सार मिल रहा है राइट वहीं पर अगर मैं बात करूँ किसकी वहीं पे मैं बात

24 तक आपका वैलिड रहेगा तब तक आप वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे और क्लासेस आपकी होती हैं कि अभी लाइव हुई है कलापुरी युड में मिल जाएगी जितनी बार चाहो उतनी बार रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो राइट right? इसके साथ में आपको अपनी हार्ड कॉपी भी मिलेगी बुक्स की हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी साथ में पीडीएफ नोट्स आपको रेगुलर क्विजेज टेस्ट मॉक टेस्ट हर चीज प्रॉपर आपको मिलेगी तो आपको क्या करना है फटाफट से लग जाना है अपनी तैयारी में और बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है किसी भी चीज का कि कब क्या चीजें होंगी कब क्या चीजें होंगी भैया काल करे सो आज करे आज करे सो हब पल में पढ़ले होगी बहुरी करेगा कब कब करोगे जब एग्जाम निकल जाएगा तब तो भैया जल्दी से लग जाओ यूज कोडवाई सिक्स नाइन सेवन टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट थैंक यू सो मच मेरा नाम है सोनिया चल मिलूंगी ड्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में